तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार के होते हैं, और इसके लिए हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर मनीष गुप्ता जी, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आज ये हमको बताएंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और हर इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को बताएंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब नॉलेज इन्फो में, और हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप बताइए कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं और हर प्रकार का इंश्योरेंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका लाइफ और एक होता है जनरल। लाइफ इंश्योरेंस आपके लाइफ को कवर करता है और जनरल इंश्योरेंस लाइफ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को कवर करता है। जनरल इंश्योरेंस में भी दो टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। एक जनरल में हमारा टाइप हो जाता है कि हमारे दो टाइप्स होते हैं उसमें, एक आपका व्हीलर हमारा टू व्हीलर फोर व्हीलर हैवी व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, उसमें हमारा एक मेडिक्लेम भी होता है जिसमें हम मेडिकल लॉसेस को कवर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका है वो हमारा एक तरीके से हमारी फैमिली को सारी मेडिकल की ज़रूरतों को फुलफिल करता है, और बात करते हैं कि जो हमने आपको दो तरह के इंश्योरेंस बताए, एक आपका GIP जिसको हम जनरल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हमारी चार कंपनियां हैं, इसके अलावा और भी आज की डेट में बैंक भी हमारा इंश्योरेंस करता है जो कि जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। लाइफ इंश्योरेंस में आज हमारी 21 कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं जो कि लाइफ को वो कवरेज करती हैं। सर, आपने जैसे बताया कि लाइफ इंश्योरेंस में आपका जनरल इंश्योरेंस आता है, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर करता है। हम ये जानना चाह रहे हैं जो मेडिक्लेम होता है, ठीक है, मेडिक्लेम के अलावा जो आपके कोई किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या सामने वाले को भी उसके इंश्योरेंस की जिसकी दुर्घटना हुई उसको भी क्या इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है कि नहीं मिलता है? सर, अगर हम जनरली बात करते हैं कि अपने LIC के, अगर LIC के केस में अगर आपने जैसे पूछा कि किसी की दुर्घटना हो गई, तो सर दुर्घटना में हम लोग कोई भी LIC को कवर नहीं करते हैं। LIC हमारा कोई भी पेमेंट वहाँ नहीं करती है। LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ के ना रहने पर हम नॉमिनी को वहाँ पे क्लेम देते हैं। सर, दूसरी चीज़ अब आती है जनरल पे। जनरल पे चूँकि अगर हम किसी व्हीकल की बात करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हैवी व्हीकल हो, इनकेस अगर उस व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी होती है, तो सर उसमें होता क्या है कि हम सामने वाले को भी कवर करते हैं, क्योंकि हम ये क्लेम जो होता है वो हमारी कंपनी देती है और इसको प्रोवाइड हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में इसको कवर करके चलते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे चैनल पे आए और चैनल पे बताया कि इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है और कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, हर इंश्योरेंस का आपने बताया। तो हम अपने दर्शकों से एक दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इंश्योरेंस के बारे में कोई भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। इनका जो नंबर है और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और आप इनसे बात करके इंश्योरेंस की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, एंड थैंक यू मनीष।